करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों के। बांदा में बुंदेलखंड किसान यूनियन ने छेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं होंगे किसान आंदोलन करते रहेंगे। सरकार किसानों के ढेर की परीक्षा न ले। जब तक सरकार किसान विरोधी तीनों बिल वापस नहीं लेगी तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा न ले। किसान आंदोलन से हटने वाले नहीं। बांदा के अशोक लाठ में आज बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। दिल्ली के पलवल बॉर्डर में बुंदेलखंड के किसानों के साथ किसान आंदोलन में शामिल रहे विमल शर्मा अपने गृह जनपद बांदा आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? विमल कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड किसान यूनियन। अध्यक्ष जी, आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पर सत्याग्रह किया आंदोलन किया जा रहा है, क्या मामला है? देखिए, जो तीन कृषि विधेयक के विरोध में पूरे देश के किसानों द्वारा दिल्ली में किसान आंदोलन किया जा रहा है आज लगभग डेढ़ महीने से, तो उसी आंदोलन के समर्थन में और तीनों कृषि बिल के विरोध में आज हम लोग पूरे बुंदेलखंड में जिला मुख्यालयों पर धरने पर एक दिवसीय सत्याग्रह पर बैठे हैं और हम लोग भी बांदा में अशोक लाट में सत्याग्रह कर रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार कई बार बात कर चुकी है, उसके बाद भी समस्या का हल नहीं निकल रहा है, क्या रणनीति आप किसान अपनाएंगे इसके बाद? देखिए, हमारी मांग है कि सरकार ये तीनों विधेयक वापस ले और जब तक सरकार तीनों विधेयक वापस नहीं लेगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा और किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान इस गैर कानूनी और किसान विरोधी बिलों को वापस कराकर ही दम लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।